समय इस मांगलियावड़ी के लिए, ये मांगलियावड़ी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं गिरिराज सिंह साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मांगलियावड़ी क्षेत्र में सामाजिक पहला सामाजिक कार्यक्रम है और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम का संयोजक मैं हूँ। और मंगलियावटी है वो दूर दराज से पधारे हुए मेरे सभी युवा साथियों, बुजुर्गों, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक छोटे से बच्चे के आह्वान पर आप लोग इतनी तादाद में इकट्ठा हुए। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, तहे दिल से आपका हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ मंगलियावटी से ही कुछ वर्षों पूर्व रतलाम में जाकर बसे जो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के कवि है गिरिराज सिंह जी, वो हमारे मेहमान भी है, हमारे भाई भी है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप महाराणा प्रताप जयंती पे बहुत व्यस्त रहते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में कवियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आपने मेरे एक छोटे से निवेदन पर आपने कहा कि मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह मैं उस दिन मांगलियावटी होऊंगा हिंदुस्तान में और कहीं नहीं होऊंगा, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। सबसे बड़ा विषय आज उस वीर पुरुष की जयंती है जिसका पूरा विश्व गुणगान करता है। मैं आप सबकी तरफ से हमारे बंधु के उनकी ये इच्छा थी, मेरी उनके साथ ये चर्चा होती थी कि वीरेंद्र यहाँ एक महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम करवाना है, ठाकुर साहब आग स्वर्ग में है, लेकिन ठाकुर साहब हम ये चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, आपके बच्चों ने ये आग सिद्ध करके कर दिया है कि मांगलियावटी में सामाजिक कार्यक्रम के तौर पे महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। होते तो ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन आज वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी ये इच्छा थी और उस महान व्यक्ति की सती हमें मांगलियावटी में बहुत ज्यादा हुई है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम अलग अलग जगह अलग अलग विषय पर आयोजित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि हमें जयंती मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम जयंती मनाएं, जयंती मनाने के पीछे कारण क्या है। मैं आपको सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं कि कारण है हम महाराणा प्रताप से कुछ सीखें, उनके जीवन से सीखें, उनके मूल्यों से सीखें, उनके सिद्धांतों से सीखें, उनके विचारों से सीखें। लेकिन हम सीखें कैसे, वर्तमान समय में हम तलवार नहीं चला सकते, हम भाला नहीं चला सकते, हम युद्ध नहीं कर सकते, हम हथली घाटी में युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम उस महाराणा प्रताप से वर्तमान समय में कैसे सीखें। क्या था महाराणा प्रताप, आज उस अकबर को क्यों याद नहीं किया जाता है और महाराणा प्रताप को पूरे विश्व में याद किया जाता है, उसकी कोई ना कोई वजह तो है। वजह मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि उस महाराणा प्रताप को ना तो कभी मुसलमानों से दुश्मनी थी, ना कभी उसे हिंदुओं से दोस्ती थी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप मुसलमान धर्म के खिलाफ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराणा प्रताप की सेना में उसके प्रमुख सेनापति में एक मुस्लिम था, आपको सबको जैसे पता है। महाराणा प्रताप का विरोध करने का मुख्य कारण था कि हमारी धरती पर, जिस धरती पर हम पैदा हुए हैं, उस धरती पर किसी विदेशी आक्रांता का शासन हम स्वीकार नहीं करेंगे, यही महाराणा प्रताप का विरोध था। और उसी कारण महाराणा प्रताप ने सोने के बर्तन, महल, राष्ट्रीय ठाक पाठ सब छोड़ के जंगलों में बिताए। लेकिन क्या ये आज के समय में हम संभव कर पाते हैं कि अगर आपको अपने घर से कोई एक दिन के लिए निकलना का कहे तो भी मुश्किल हो जाता। मैं कल दो तीन लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा यार क्या कार्यक्रम है यार, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, ये बड़ा विषय चिंता का विषय है। उस व्यक्ति ने अपने राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय ठाट बाट महल माड़िया सब छोड़ दिया, लेकिन हम दो घंटे समाज के लिए कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए नहीं निकाल सकते, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमें सीखना होगा, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज सामाजिक स्तर पे हो, हमारा स्वाभिमान बना रहे। मानसिक गुलामी से आज भी हमारा समाज आजाद नहीं हुआ है, देश को 70 साल हो गए आजादी हुए, लेकिन हम आज भी कुछ राजनेताओं के, कुछ महलों में बैठे लोगों के राजनीति गुलाम है और ये हमारी गुलामी मानसिकता में बिल्कुल बस रही है, इसको हमें दूर करना होगा।